हेलो एवरीवन, कैसे आप लोग। तो देखिए, एक है इनसाइड द डिजिटल वर्ल्ड ऑफ कुकीज़। हम लोग कोई भी साइट पे जाते हैं आजकल, देख रहे होंगे कि प्लीज़ अलाउ कुकीज़, दिस वेबसाइट यूज़ कुकीज़। तो वो उसी कुकीज़ की बात हो रही है। तो देखते हैं क्या है। द डिजिटल वर्ल्ड ऑफ कुकीज़ प्ले अ सिग्निफिकेंट रोल इन मेनी ऑनलाइन एक्सपीरियंस। इन द डिजिटल रियल कुकीज़ हेल्प इन पर्सनलाइजेशन एंड यूज़र कन्वीनियंस। दिस अनअज्यूमिंग बिट ऑफ कोड स्टोर्ड ऑन द डिवाइस व्हेन वन विजिट्स वेबसाइट प्लेज अ पिवोटल रोल इन शेपिंग एनी ऑनलाइन एक्सपीरियंस। तो ये ऑनलाइन एक्सपीरियंस हिस्ट्री को ट्रैक करता है। हाउ डज कुकी वर्कअप, चलिए देखते हैं ये कुकी काम कैसे करते हैं। थिंक ऑफ कुकीज एज दे आर की टू अ सिक्योर मेंबर ओनली क्लब। जस्ट लाइक अ क्लब बाउंसर रिकोगनाइजेस रेगुलर पेट्रॉन एंड ग्रांट देम सीमलेस एक्सेस। कुकीज रिमेंबर अ पर्सन लॉग इन इंफॉर्मेशन ऑन वेबसाइट। तो ये क्लब के बाउंसर की तरह ही है, जो डेली आता है उसको अलाउ कर देता है। आप देखिए, पर्सनल लॉग इन इन्फॉर्मेशन रखता है ये वेबसाइट का। दिस मीन यू डू नॉट हैव टू रिपीटेडली एंटर द क्रेडेंशियल एवरी टाइम यू रिविजिट अ वेबसाइट, मेकिंग इट कन्वीनियंट फॉर यूज़। तो ये हमारे लिए तो कन्वीनियंट है। ऑन वेबसाइट्स लाइक अमेजोन, कुकीज रिमेंबर कस्टमर प्रीवियस इंटरेक्शन फ्रॉम द प्रोडक्ट दे हैव ब्राउज टू परचेज दे हैव मेड। तो मतलब क्या क्या सर्च कर रहे हो और क्या क्या खरीद रहे हो, अमेजोन तो ये भी ट्रैक करता है। आर्म्ड विद दिस नॉलेज अमेजोन शेयर्स अप टेलर्ड प्रोडक्ट रिकमेंडेशन एंड कंटेंट, मेकिंग द ऑनलाइन शॉपिंग फील लाइक पर्सनलाइज बुटीक एक्सपीरियंस। तो ये पर्सनलाइज बुटीक एक्सपीरियंस कहता है कि आपको जो खरीदे, जैसे आपने पिछली बार कोई फ़ोन खरीदा, तो जैसे ही कोई नया फ़ोन आएगा तो तुरंत आपको एड्स में दिखाने लगेगा, मैसेज भेजने लगेगा। ठीक है, यहाँ पे ये बात हो रही है। कंसिडर एन इनहेंस्ड ग्रोसरी कार्ट दैट नेवर एम्प्टीज। ठीक है, नो मैटर हाउ मेनी टाइम यू स्टेप अवे। ऑनलाइन शॉपिंग कार्ट फ्यूल्ड बाई कुकीज ऑफर अ सिमिलर इनैक्टमेंट। यू कैन एड आइटम इन अ कार्ट, लीव द वेबसाइट एंड रिटर्न लेटर एंड फाइंड ऑल द सिलेक्शन वेटिंग पेशेंटली रेडी फॉर चेकआउट। एक बार आपने एक कार्ट में डाल दिया तो वो कार्ट में ही रहेंगे। प्लेटफॉर्म लाइक फेसबुक एंड गूगल। अब ये तो हो गया अमेजोन की बात, ठीक है, ये खरीदने सामान वाले की बात हो गई है। जो आप सामान खरीद रहे हो तो आपके ऑर्डर, आपके एक्टिविटीज़, आपके सर्चेस को ट्रैक कर रहा है। अब देखिए, प्लेटफॉर्म लाइक फेसबुक एंड गूगल यूजेस कुकीज टू ट्रैक ऑनलाइन बिहेवियर इंश्योरिंग एड्स यू इनकाउंटर अलाइन विथ योर प्रेफरेंस। तो ये आपके ऑनलाइन पूरे बिहेवियर को ट्रैक करता है, कि आपके पूरे बिहेवियर को ट्रैक करता है। वाइल कुकीज ऑफर अनडिनाइबल एडवांटेज, देर इज अ फ्लिप साइड टू कंसीडरिंग प्राइवेसी कंसर्न एंड द पोटेंशियल फॉर डेटा मिसयूज। व्हाट आर दिस टाइप ऑफ कुकीज़, देखिए सेशन कुक। अब देखिए, कुकीज़ कितने टाइप के होते हैं, यहाँ पे ये बता रहा है। यहाँ पे ये बताया कि पर्सनल प्राइवेसी कंसर्न हो सकता है, डेटा मिसयूज हो सकता है, जो डेटा गूगल, फेसबुक, अमेजोन यूज़ करता है आपका। कितने टाइप के कुकीज़ होते हैं, चलिए देखते हैं। सेशन कुकीज़ आर टेम्प्रेरी कुकीज़ लाइक पोस्ट इट नोट्स फॉर वेबसाइट, दे आर स्टोर्ड इन अ कंप्यूटर्स मेमोरी ओनली ड्यूरिंग द ब्राउजिंग सेशन। तो बस ब्राउजिंग सेशन जब तक चला रहे हैं तब तक स्टोर होता है। वंस यू क्लोज द ब्राउजर दे वैनिश। सेशन कुकीज हेल्प वेबसाइट रिमेंबर द एक्शन एज यू नेविगेट लाइक आइटम्स इन शॉपिंग कार्ट। ठीक है, तो आप नाम से ही समझ आ रहा है। आप देखिए, सेशन कुकीज, एक सेशन का एक सेशन कुकी। तो मतलब सेशन कुकी जब तक आप एक बार लॉग इन रहो तब तक सही है, जब तक आप वो पेज छोड़ो वो कुकी डिस्ट्रॉय हो जाए। परसिस्टेंट कुकी, आप देखिए ये परसिस्टेंट मतलब लॉन्ग टाइम। आर द डिजिटल इक्विवेलेंट ऑफ बुकमार्क, दे स्टे ऑन डिवाइस आफ्टर यू योर ब्राउजिंग सेशन एंड्स, उसके बाद भी रहते हैं। परसिस्टेंट कुकी रिमेंबर द लॉग इन इन्फॉर्मेशन, लैंग्वेज प्रेफरेंस एंड इवन द एड्स यू हैव इंटरेक्टेड विथ। आप कौन कौन से एड्स को भी देख रहे हो वो भी परसिस्टेंट कुकी देखते हैं। नाम से पता चल रहा है सेशन, एक सेशन के लिए परसिस्टेंट बार बार मतलब वो सब चीज़ रिमेंबर रख रहा है। देर आर हैंडी फार मोर पर्सनलाइज वेब एक्सपीरियंस। सिक्योर कुकीज़ आर ओनली सेंट ओवर इनक्रिप्टेड कनेक्शन, मेकिंग देम सेफर फ्रॉम प्राइंग आईज। सिक्योर कुकीज़ आर ऑफन यूज फॉर सेंसिटिव डेटा लाइक लॉग इन क्रेडेंशियल। तो ये सिक्योर कुकीज़ एक हो गया। आप देखिए, थर्ड पार्टी कुकीज़ आर, अब यहाँ पे एक थर्ड पार्टी कुकी हम लोग देख रहे हैं। थर्ड पार्टी कुकीज़ आर सिमिलर, दे कम फ्रॉम अ डोमेन अदर देन द वन यू आर विजिटिंग। दे आर ऑफन यूज टू ट्रैकिंग एडवर्टाइजिंग पर्पज, विच कैन बी बोथ यूजफुल एट अ टाइम इंट्रूसिव। अब आप अगर कुछ और सर्च कर रहे हो तो मानिए आपके यहाँ पे पर्सनल डेटा यहाँ पे जा रहा है कि आप क्या देख रहे हो, बार बार वही ऐड दिखाएगा, तो वो ठीक है, कभी कभी यूजफुल भी होता है, कभी कभी अच्छा नहीं भी लगता हमें। व्हाट आर यूज ऑफ कुकी, कुकी सर्व्स अ मल्टीपल मल्टीट्यूड पर्पस इन ऑनलाइन वर्ल्ड। फर्स्टली क्या क्या इसके पर्पस है, देखिए फर्स्टली दे एक्ट एज अ डिजिटल आईडी कार्ड एडिंग इन यूजर ऑथेंटिकेशन बाय अलाउइंग वेबसाइट टू रिकोगनाइज एंड कीप यू लॉग्ड इन ड्यूरिंग द विजिट। सेकेंडली, अब सेकेंडली देखिए क्या, दे फॉस्टर सेंस ऑफ पर्सनलाइजेशन रिकॉलिंग योर प्रेफरेंस सच एज लैंग्वेज चॉइस और वेबसाइट थीम। थर्डली, दे फंक्शन एज अ डिजिटल इक्विवेलेंट ऑफ अ परसिस्टेंट शॉपिंग कार्ट। इतना तो ये शॉपिंग कार्ट के लिए हो गया, आपके
पर्सनलाइजेशन के लिए हो गया, आपके डिजिटल आईडी के लिए हो गया, ठीक है। एडिशनली कुकीज फैसिलिटेट वेबसाइट ओनर्स इन गैदरिंग इनवैल्यूएबल एनालिटिक डेटा अबाउट देयर यूजर इंटरेक्शन इनेबलिंग देम टू मेक एनहेंसमेंट एंड कस्टमाइज कंटेंट। फाइनली कुकीज प्ले पिवोटल रोल इन टारगेटेड एडवर्टाइजिंग, यहाँ पे मेन एडवर्टाइजिंग टारगेटेड एडवर्टाइजिंग का ही रोल है। एज एडवर्टाइजर्स यूज देम टू डिस्प्ले एड दैट अलाइन विद द पर्सन इंटरेस्ट इन ब्राउजिंग हिस्ट्री, मेकिंग ऑनलाइन शॉपिंग मोर इनसाइटिंग। नेविगेटिंग द वर्ल्ड ऑफ कुकीज इज नॉट एट ऑल स्वीटनेस बट इट कम्स विद सेट ऑफ चैलेंजेस, ठीक है। अब उसके चैलेंजेस क्या है, वॉट आर द चैलेंजेस एसोसिएटेड, देखिए। फर्स्टली प्राइवेसी कंसर्न्स अराइज एज कुकी कुड ट्रैक योर ऑनलाइन बिहेवियर विच टर्म्स विच ऑफन हार्मलेस कैन समटाइम्स इंक्रोच अपॉन योर डिजिटल प्राइवेसी। तो हार्मलेस होता है पर डिजिटल प्राइवेसी आपकी चली जाती है। सिक्योरिटी रिस्क लूम वेन कुकीज आर इनएडिक्वेटली सिक्योर्ड, ओपनिंग डोर्स फॉर साइबर क्राइम्स टू पल्फायर पर्सनल इन्फॉर्मेशन। थर्डली द एरा ऑफ यूजर कंसेंट हैज ड्रॉन थैंक्स टू प्राइवेसी रेगुलेशन लाइक जनरल डेटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन एंड कैलिफोर्निया कंज्यूमर प्राइवेसी एक्ट नेसेसिटेटिंग वेबसाइट टू सीक आवर अप्रूवल बिफोर डिप्लॉइंग सर्टेन कुकीज टाइप रिजल्टिंग इन दोज somewhat irksome pop-ups and prompt. India newly enacted Digital Personal Data Protection Act 2023 now necessitates website to acquire explicit consent from user prior to collecting or processing their personal data via cookies. तो यहाँ पे आप देखिए ये सारी चीज़ें हैं। In contrast to earlier regulation that often accepted implied consent and satisfactory they updated how new. देखिए conclusive देखते हैं, इतना मेरे को important ये वाला part नहीं लगा। Cookies are both sweet and complex. They play a crucial part in enhancing your online experience, but also come with a privacy and security challenge. As a digital landscape continues to evolve, so will the way cookie will be used and regulated. So next time you enjoy a warm gooey chocolate chips cookie, remember the digital cookie that makes you online adventures more personalized, even if they sometimes left a few crumbs behind. तो आप देखिए यहाँ पे कुकीज़ हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, हमने कुकीज़ का यूज़ देखा। अब देख लेते हैं इस बार एक बार इसकी समरी देख लेते हैं हम लोग। कुकीज़ देखिए क्या हो गया, हमने हमने कुकीज़ का देखा यहाँ पे, ये पर्सनल लॉगिन इन्फॉर्मेशन सेट करते हैं आपका, ठीक है। कितने टाइप करते हैं, एक सेशन हो गया, परसिस्टेंट हो गया, सिक्योर हो गया, थर्ड पार्टी हो गया, ठीक है। इतने टाइप के तो कुकीज़ देख लिया हमने। इसका यूज़ क्या, आप देखिए पहला यूज़ क्या है आपका, डिजिटल आईडी। दूसरा यूज़ क्या है, सेंस ऑफ पर्सनलाइजेशन देंगे आपको। तीसरा यूज़ क्या है, आपके डिजिटल इक्विवेलेंट शॉपिंग कार्ट वगैरह में आपकी जो चीज़ें रहेंगी वो है, ठीक है। अब आप देखिए इसके चैलेंजेस क्या है। चैलेंजेस है कि आपका प्राइवेसी वहाँ पर जा रहा है थोड़ा बहुत। सेकंड, क्योंकि सिक्योर नहीं है, ठीक है, कोई भी ये प्राइवेसी डेटा आपको यूज़ कर सकता है। थर्ड, आपका एरा ऑफ कंसेंट में यहाँ पे बिना उसके बस ले ले, जिन लोगों को नहीं पता वो नीचे में पॉपअप आता है, जैसे ये विंडो खुला यहाँ पे एक पॉपअप आया, हम लोग ओके कर देते हैं। अब वो क्या क्या डेटा ले रहा है क्या क्या नहीं ले रहा है हमें नहीं पता, पर अगर हम लोग देखें एक्ट में लिखा गया, पर ये तो वो कंसेंट तो मांग ही रहा है ना, कंसेंट हम नहीं दिया, तो ये थोड़ा हमारे लिए प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। तो कुकीज़ क्या है, क्या नहीं है, क्या प्रॉब्लम है, क्या चैलेंजेस है, कैसे काम करते हैं, आप देखिए ये सारी चीज़ें हमने देख ली है। तो आई होप आप लोगों ने कुकीज़ के बारे में समझ लिया होगा। सो प्लीज़ वर्क हार्ड एंड अचीव ऑल योर ड्रीम्स। थैंक यू।